जिला उमरिया लोकसभा चुनाव को सुगम, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से निर्वाचन के लिए कलेक्टर की उपस्थिति में प्रेस वार्ता मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वरोचित सोमवंशी ने बताया कि जिले में मीडिया, राजनीतिक दल एवं प्रशासन बेहतर समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। वैसे भी जिले का इतिहास स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से निर्वाचन होने का रहा है। निर्वाचन के दौरान हम अपनी तैयारियों में कहीं कोई कमी नहीं होने देंगे। मीडिया कार्यशाला के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने ईवीएम एवं की क्रेडिबिलिटी पर जानकारी देते हुए कहा कि यह ऑफलाइन मशीन है जिसमें इंटरनेट का उपयोग नहीं किया जा सकता। यह वायरल डिवाइस नहीं है। मशीन की सत्यता को विभिन्न चरणों में एफएलसी तथा मॉकपोल के दौरान अभ्यर्थियों ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा अभ्यर्थी के एजेंडा के दौरान परीक्षा से गुजारा जाता है। मशीन का अपना प्रोटोकॉल है जिसकी जीपीएस के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाती है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान तैयारियों की जानकारी देते हुए एवं मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दिया जाए। जिले में 22 फरवरी 2019 की स्थिति में कुल 4,41,598 मतदाता हैं। जेंडर रेशियो 943 है। जिले में सर्विस वोटर की संख्या 200 है एवं जिले में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 3,384 है। इन मतदाताओं का शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित कराने की कार्य योजना पर कार्य किया जा रहा है। पेशा उमरिया की यह खास रिपोर्ट। आज शहडोल कॉन्स्टिट्यूएंसी में नोटिफिकेशन का नोटिस जारी हो गया है। हमारे यहाँ दो एसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एसी सेगमेंट्स हैं, 89 और 90, बांधवगढ़ और मानपुर। दोनों में ही हम लोगों ने आज नोटिस जारी कर दिए हैं, सूचना चस्पा कर दी है सभी कार्यालयों पर। हमारी इलेक्शन की तैयारी पूरी ठीक ठाक है, चाक चौबंद है। हमने फर्स्ट रैंडमाइजेशन 30 तारीख को कर लिया है। हमारे पास पर्याप्त बीयू, सीयू और वीवीपैट उपलब्ध हैं। हमारे पास 120% रिजर्व सहित 120% सीयू, 122% बीयू और 128% वीवीपैट उपलब्ध हैं जो एफएलसी ओके हैं। हमारा वेयर हाउस बिल्कुल ठीक ठाक है। हमने 42 मशीनें अवेयरनेस और ट्रेनिंग के लिए पब्लिक के लिए रवाना कर दी हैं, जो सेक्टर अधिकारी फील्ड में लेकर घूम रहे हैं और लोगों को ईवीएम की और वीवीपैट की जो फंक्शनिंग है उससे लोग अवेयर करवा रहे हैं। हमें 125% रिजर्व के हिसाब से 730 P0 मतलब कि पीठासीन P1, P2 और P3 की आवश्यकता है जो हमारे पास पर्याप्त है। तो फर्स्ट रैंडमाइजेशन के लेवल पर जितनी तैयारियां चाहिए और जो जो हमको करना चाहिए वो सारी चीज़ें आयोग के और CEO ऑफिस मध्य प्रदेश के नियम निर्देशों में और उनके लीडरशिप में हम लोगों ने कर लिए हैं। अभी हमने 2 दिन पहले पॉलिटिकल पार्टीज के साथ तीसरी स्टैंडिंग बैठक भी कर ली है। हमने उनसे उनकी सभी चिंता की बातें पूछ ली हैं, उनकी कोई वरी लिस्ट नहीं है। हमने टोटल 144 पोलिंग स्टेशंस को क्रिटिकल और 11 को वल्नरेबल के रूप में चिन्हित किया है और हमारे सेक्टर अधिकारी वहां पर लगातार जा रहे हैं, सक्रिय हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम क्रिटिकल और वल्नरेबल दोनों प्रकार के पोलिंग स्टेशंस में भी अच्छे मतदान करें और मतदाता ये फील करें कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष मताधिकार का प्रयोग कर पा रहा है। हमारे टोटल 141 रूट हैं जिसमें हमें 171 बसें लगेंगी। इसमें हमारे पास इसमें से 50 बसेस की अवेलेबिलिटी और बाकी शेड्यूल कमिश्नर साहब पूरी मदद कर रहे हैं और हमें टाइम पे बसेस अवेलेबल हो जाएंगी। जहाँ तक पोलिंग पर्सनल का सवाल है तो 730 × 4 मतलब पीठासीन P1, P2, P3 के हिसाब से हमें 730 × 4 चाहिए और वैसी हमारी अवेलेबिलिटी भी है और हमारी ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं। हम 3 राउंड में ट्रेनिंग करेंगे पीठासीन P1, P2, P3 की, जिसमें से एक ट्रेनिंग हमारी हो चुकी है, दूसरी ट्रेनिंग हमारी 4 तारीख से शुरू होगी। थैंक यू।